हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधा। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी पालक भाजी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। भाजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पालक ली है। पालक को मैंने अच्छे से साफ कर धोकर रख दिया था कुछ समय के लिए, तो इसका थोड़ा पानी जो है सूख गया था। उसके बाद हमें इसे कट करना, तो हम इसे एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, कोई भी हरे पत्तेदार सब्जी हो, आप उसे पहले अच्छे से साफ करिए। साफ करने के बाद धोकर उसे आप कुछ समय के लिए रख दें। अगर भाजी आपको तुरंत बनानी है तो आप इसे कॉटन के कपड़े से हल्का सा प्रेस करते हुए सुखा ले, तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, थोड़ा पानी रह जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सारी पालक जो है कट कर ली है। और इसमें डालने के लिए यहाँ मैंने एक मुट्ठी के लमसम सोया और एक मुट्ठी के लमसम ही मैंने बथुआ लिया है, और एक मैंने मीडियम साइज़ की आलू ली है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, तो इसे भी हम उसी प्रकार से एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। फिर सोया डालने से पालक की जो भाजी है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, यानी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और बथुआ मैंने इसलिए डाला है क्योंकि पालक जो है वो सर्द होती है। बहुत लोग सर्दियों में पालक इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि वो उन्हें सर्द करती है। ऐसे लोगों को पालक की भाजी सदैव बथुआ के साथ बनानी चाहिए, क्योंकि बथुआ जो है फ्रेंड्स बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही पौष्टिक होता। पौष्टिक होने के बावजूद भी प्रेग्नेंट लेडी को बथुआ जो है मना होता है, उन्हें बिल्कुल भी बथुआ नहीं खाना चाहिए। और यहाँ सोया और बथुआ की जो क्वांटिटी है, आप अपने हिसाब से चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भाजी हमारी तैयार है। और भाजी में डालने के लिए यहाँ पे मैंने 5 कली लहसुन की ली है। ज़्यादातर मैं पेस्ट ही यूज़ करती हूँ, लेकिन कोई भी हरे पत्तेदार सब्जी आप जब बनाते हैं उसमें लहसुन का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे लहसुन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लहसुन भी हमारा कट चुका है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ कढ़ाई मैंने रख दी, हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। फ्रेंड्स, पत्तेदार सब्जी में ऑयल जो है थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, आप चाहें तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और पत्तेदार सब्जी जो हमेशा आप मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं, तभी टेस्टी बनेगी। तो ये हमारे घर का ऑयल है, तो मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जब जीरा हमारा चटकने लगेगा, तब हम इसमें कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। कुछ सेकेंड हम इसे पकने देंगे। 2 चम्मच हम इसमें जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट डाल लेंगे। आप चाहें तो मिर्च को काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट डालने से एक अलग ही टेस्ट आता है, तो आप भी जरूर बना कर रखिएगा। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस कुछ सेकेंड ही पकाना है। इसके बाद हम इसमें कटी हुई आलू डाल देंगे। और 1/2 कप मैंने यहाँ फ्रेश मटर के दाने लिए हैं, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, बट आलू मटर डालकर आप ये भाजी एक बार बनाइए तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। बच्चे भी बड़े प्रेम से इसे खाते हैं, इसीलिए मैं इसमें आलू मटर डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच स्पाइसी सॉल्ट। स्पाइसी सॉल्ट से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, प्लेन सॉल्ट भी डाल सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। फ्लेम को यहाँ मीडियम रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए आलू को हमें गोल्डन होने तक थोड़ा सा पका लेना है। तो चलिए देखते हैं, आलू को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। फ्रेंड्स, ये पुरानी आलू है तो बहुत ही जल्दी पकती है, जो नई आलू होती है वो देर में पकती है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो आलू हमारी 80% पक गई है। इसके बाद हम इसमें भाजी डालेंगे, तो पहले हम हाफ भाजी डालेंगे, क्योंकि देखने में तो ये बहुत ज़्यादा लगती है, बाद में बहुत ही कम हो जाती है। तो पहले हम हाफ भाजी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम या हाई रखना है, तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद जो बची हुई हमारी भाजी है उसे भी हम इसी में डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमें इसे कम से कम 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसी प्रकार से पकाना है, बीच बीच में चलाते हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पानी जो है बिल्कुल भी नहीं है, इससे आपकी सब्जी जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे इसी प्रकार से चलाते हुए पकाना है। फिर जब आप पालक या कोई भी पत्तेदार सब्जी गीला काटते हैं, तो पकाते समय इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है, फिर हम फ्लेम को हाई करते हैं उसे जलाने के लिए। इससे आपकी गैस तो खत्म होगी, दूसरी बात सब्जी भी आपकी उतनी स्वादिष्ट नहीं बनेगी। तो फिर भाजी को यहाँ मैंने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर अभी पकाया है, लेकिन भाजी हमारी जो है पक गई है। अगर आप चाहते हैं कि भाजी आपकी ग्रीन ही रहे, तो आप इसे खुला ही पकाएं, मैंने भी खुला ही पकाया है इसे। लेकिन हम इसे 2 से 3 मिनट अभी थोड़ा सा और भूनते हुए पकाएंगे, क्योंकि आप भाजी को थोड़ा सा भून देंगे ना तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती खाने में। तो भाजी को यहाँ मैंने 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है। ये भाजी फ्रेंड्स हमारी बनकर तैयार हो गई, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए पालक की स्वादिष्ट भाजी हमारी बनकर तैयार है। जैसे पसंद हो वैसे खाए, लेकिन पालक, बथुआ, चने का साग, सरसों का साग, ये सब मोटे अनाज के साथ, यानी कि ज्वार, बाजरा, मक्की की रोटी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो फिर पालक की इस भाजी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिएगा।
आज की ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।